हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानोज्ञ में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओडिशा नीट काउंसलिंग 2019 जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ओडिशा नीट काउंसलिंग 2019 जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 जून 2019 से। और जो काउंसलिंग कराती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसलिंग कराने के लिए, वो है, यह आप देख सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भुवनेश्वर ओडिशा। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लिए काउंसलिंग कराता है और इनकी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो दोस्तों, जो है MBBS और BDS कोर्सेज के लिए जो नीट का जो स्कोर कार्ड है उसी के माध्यम से आपको प्रवेश मिलेगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो फिलिंग चॉइस आपने भरी है उनके माध्यम से आपको आपका जो है कॉलेज मिलेगा। और 85% जो है सीट है इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए। तो आप ये देख सकते हैं आपको कैसे जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए शेड्यूल आप देख सकते हैं, ओडिशा MBBS BDS काउंसलिंग शेड्यूल 2019। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है काउंसलिंग के लिए वो 20 से 25 जून तक रहेंगी। और डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ये आप देख सकते हैं 26 जून 2019। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर 26 से 29 जून। और मेडिकल बोर्ड फॉर फिजिकल चैलेंज ये आप देख सकते हैं, फिजिकली चैलेंज, ये 26 से 27 जून। और एक्स सर्विसमैन बोर्ड फॉर ES कैंडिडेट्स 21 जून से 28 जून तक ये चलेगा। और पब्लिकेशन फॉर स्टेट मेरिट लिस्ट ये 1 जुलाई को आएगी, मेरिट लिस्ट जो आती है स्टेट की। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, 1 जुलाई से 2 जुलाई तक आपका ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो चलेगा। और फर्स्ट राउंड रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो आपका होगा 4 जुलाई को। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो प्रोविजनल एडमिशन फर्स्ट राउंड का होगा ये देख सकते हैं आप 5 जुलाई से 9 जुलाई। और इसी तरह से आप ये पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। और जो सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस है वो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो चयन और प्रवेश प्रक्रिया है उसके लिए आपको सबसे पहले जो वेबसाइट है बोर्ड की, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भुवनेश्वर की जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना है और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना होगा काउंसलिंग के लिए, जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके लिए उसके बाद आपका जो है फिलिंग चॉइस और लॉकिंग चॉइस प्रक्रिया आरंभ होगी। और उसके बाद आपको कॉलेज विकल्प आपको भरने होंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, लास्ट जो लिस्ट निकाली जाएगी रैंक लिस्ट वगैरह। और उसके जो विकल्प आपने भरे होंगे उसके आधार पर आपको जो है सीटें आवंटित की जाएंगी। और उसके बाद आपको अंतिम जो आपकी प्रक्रिया होगी उसके लिए आपको कॉलेज में जाके अपनी फीस जमा करानी होगी और आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा, कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है आरक्षण का भी है इसमें। OBC श्रेणी का इसमें कोई मान्य नहीं है, इसमें OBC जो श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको सामान्य में काउंट किया जाता है। और बाकी जो आरक्षण है वो इस प्रकार है, अनुसूचित जनजाति को 12% और अनुसूचित जाति को 8%, शारीरिक रूप से विकलांग जो किसी भी श्रेणी का हो उनको 3%, भूतपूर्व सैनिक को 3% और ग्रीन कार्ड धारकों को 5%। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, नीट 2019 का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, नीट 2019 का रैंक कार्ड आपको चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और अधिवास चरित्र प्रमाणपत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होगी। और आपका जो आपका आवंटन पत्र होगा, यानी जो आपको सीट दी जाएगी, जो आपको अलॉटमेंट होगा सीट अलॉटमेंट, उसका आपको लेटर आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अपना नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपने करना है। और इस तरह से आपने काउंसलिंग की पूरा जो शेड्यूल है इस तरह से आपने पूरा करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।